शिक्षक मतदार संघ के चुनाव में महाविकास आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार सुधाकर अड़वाले की जीत पर सांसद विधायक धानोरकर दंपति ने शुभकामना देते हुए इस जीत को महाविकास आघाड़ी की एकता की जीत बताई और इस बारे में क्या कहा, जानने के लिए देखते हैं ये खबर। शिक्षक मतदार संघ के चुनाव में आज तक चंद्रपुर का कोई भी उम्मीदवार पूरे इतिहास में चुनकर नहीं आया, मगर महाविकास आघाड़ी पुरस्कृत सुधाकर अड़वाले इन्होंने इतिहास रचते हुए विजय हासिल की। यह महाविकास आघाड़ी की एकता की ताकत है, ऐसी प्रतिक्रिया सांसद बाड़ू धानोरकर तथा विधायिका प्रतिभाताई धानोरकर ने दी। सुधाकर अड़वाले के निर्विवाद विजय के संबंध में धानोरकर दंपति ने उनका अभिनंदन भी किया। गौरतलब है, शिक्षक मतदार संघ का चुनाव काफी कांटे की मानी जा रही थी और भाजपा ने दो बार विजयी हुए नागो गानार इन्हें अपना अधिकृत समर्थन दिया था, मगर महाविकास आघाड़ी ने भाजपा को पछाड़ते हुए चंद्रपुर की भूमि पुत्र सुधाकर अड़वाले को चुनकर लाया। इसके पहले पदवीधर मतदार संघ में भाजपा का बोलबाला था, मगर महाविकास आघाड़ी ने अभिजीत वंजारी के रूप में इतिहास बदला। वहीं सुधाकर अड़वाले ने चुनाव जीतकर एक और नया इतिहास रच दिया। विशेष बात यह है कि पिछले काल में चंद्रपुर जिले में हर तरफ भाजपा का वर्चस्व था, मगर लोकसभा चुनाव में भाजपा के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अहिर को पराजित करते हुए सांसद बाड़ू धानोरकर ने इतिहास रचा। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के विधायक चुनकर आए। इसके साथ ही पदवीधर मतदार संघ के उम्मीदवार अभिजीत वंजारी और अब शिक्षक मतदार संघ के उम्मीदवार सुधाकर अड़वाले चुनकर आए, जिसके कारण निश्चित ही सांसद बाड़ू धानोरकर के नेतृत्व में आने वाले स्थानीय स्वराज संस्था के चुनाव में कांग्रेस का ध्वज लहराया जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं। आज हुए चुनाव में शिक्षक मतदार संघ के उम्मीदवार सुधाकर अड़वाले के विजय की वजह से महाविकास आघाड़ी के हाथ और अधिक मजबूत हो गए हैं और उनके जीत के संबंध में सांसद बाड़ू धानोरकर तथा विधायिका प्रतिभाताई धानोरकर ने उन्हें शुभकामना दी है।